हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशु पटेल, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कि जो है कि हम अपनी कॉलेज बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करते हैं। बच्चे एक अच्छा सब्जेक्ट और एक अच्छा करियर तो चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उस सब्जेक्ट और उस करियर के लिए बेस्ट कॉलेज कौन कौन सी रहती है, वह बड़ी टेंशन में रहते हैं कि उस सब्जेक्ट या उस करियर के लिए कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में यही आपकी परेशानी को दूर करने वाला हूं कि आप कैसे अपनी एक बेस्ट कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप नंबर वन की ओर। स्टेप नंबर वन है कि हमें सबसे पहले अपन जिस भी लोकेशन पर रहने वाले हैं, जिस भी सिटी में रहने वाले हैं, उस लोकेशन या उस सिटी के बारे में, वहाँ पर जो जो भी कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लें कि वहाँ पर किस प्रकार के कॉलेजेस है, वहाँ का एनवायरमेंट कैसा है। फिर हमें नेट पर अपनी जो कोर्स है या सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी उस लोकेशन पर कॉलेजेस अवेलेबल है उन्हें अपने एक पेज पर लिख लेना है, ताकि हमें पता रहे कि आप यहाँ पर किस प्रकार के कॉलेजेस है और कौन कौन सी कॉलेजेस में अपना कोर्स अवेलेबल है। फिर उन्हीं कॉलेजों में आपको वन बाय वन करके कॉल करना है और ये आपको यह पूछना है कि यहाँ पर मेरा कोर्स अवेलेबल है या नहीं। अगर वो बोलते हैं कि हमारी कॉलेज में आपका कोर्स अवेलेबल है, तो आपको उस एक अलग से पेज पर लिख लेना है, ताकि भूल ना जाए कि कौन कौन सी कॉलेजेस में मेरा कोर्स अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं हम हमारे स्टेप नंबर थ्री पर। स्टेप नंबर थ्री रहेगी कि आपको वन बाय वन करके जिस भी आपको कॉलेजेस को विजिट करना है, पर्सनली जाकर विजिट करना है। विजिट करने से मतलब है वहाँ कर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वह आपको पता करना है कि मेरे सब्जेक्ट या करियर से रिलेटेड वहाँ पर क्या सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं। विजिट करने के बाद आपको एक डीपली एनालाइज करना है सारी कॉलेजेस का कि जिस जो जो भी कॉलेज आपने विजिट की है वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। यह स्टेप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विजिट तो कम से कम 10 से 15 कॉलेजेस करेंगे, लेकिन उसमें से आपको सिलेक्ट वन करना है। तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक कॉलेज का प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट साथ में लेके चले। तो फिर यह स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपको इसके बाद आपको एक अलग से लिस्ट बनानी है कि आपको सब्जेक्ट को लेकर या अपने करियर को लेकर कौन कौन से फैसिलिटीज़ आपको चाहिए। आपको यह एक पेज पर लिख लेना है, जैसे कि मुझे क्लासरूम अच्छी चाहिए, मुझे लैब अच्छा चाहिए, मुझे स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छा चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ को एक पेज पर लिख लीजिएगा। यह स्टेप करने के बाद आपको उस फैसिलिटीज़ को नंबर देना है कि मेरे करियर के लिए ये जो मैंने फैसिलिटीज़ लिखी है यह कितनी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। जैसे कि आपने अगर फैसिलिटीज़ में लिखा है कि फैकल्टी मुझे अच्छी चाहिए, तो फैकल्टी अपने करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है हर एक कॉलेज की, तो आपको उसमें से 100 में से 100 देना चाहिए। स्पोर्ट्स में यदि वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें 100 में से 60 भी दे सकते हैं। ऐसे करके आपको वन बाय वन सारी फैसिलिटीज़ को नंबरिंग कर देना है। फिर आपको क्या करना है आगे कि आपने जो जिस भी कॉलेज में विजिट किया है ए बी सी डी ई एफ, तो उसी कॉलेज में यह सारी फैसिलिटीज़ को पुट करना है। जैसे कि फैकल्टी यहाँ पर कौन सी कॉलेज में सबसे बेस्ट है, तो ई वाली कॉलेज जो है वहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, तो फैकल्टी के सामने ई लिख देना है ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है। फिर सारी फैसिलिटीज़ को ऐसे कर करके सारी कॉलेजेस के नाम लिख लेना है कि यह वाली फैसिलिटी मुझे कौन सी कॉलेज में सबसे अच्छे तरीके से प्राप्त हो रही है। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगी, यह प्रोसेस करने के बाद आपको सारी कॉलेजेस के नंबर को ऐड कर लेना है। आपने जो नंबर दिए थे फैकल्टी को 100 में से 100, स्पोर्ट्स को 100 में से 60, जो भी लाइब्रेरी 100 में से 90, तो इन्हीं कॉलेज को आपको जो भी नंबर दिए थे उन्हें ऐड कर लेना है। यानी कि ई वाले को आपने 100 में से 100 दिए थे, हो सकता है वहाँ पर स्पोर्ट्स की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, तो आपको उसको स्पोर्ट्स में 0 देना है। सभी कॉलेजेस का नंबरिंग करने के बाद आपकी जो भी रैंक लेगी वह आपको एक अलग से पेज पर लिख लेना है कि फर्स्ट नंबर पे मेरी डी वाली कॉलेज आती है, सेकंड नंबर पे सी वाली, फिर ए वाली। इस प्रकार से आपको सारी वन बाय वन रैंकिंग कर लेना है। फिर आपको जो भी कॉलेजेस 1, 2, 3 नंबर पे दिखेगी उसका प्लस पॉइंट भी लिखना है एक पेज पर, और एक माइनस पॉइंट भी लिखना है। प्लस पॉइंट जो भी है कि यहाँ पर फैकल्टी अच्छी है, यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा है, माइनस में आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर स्पोर्ट्स अच्छा नहीं। तो आप फिर डीपली एनालाइज कीजिएगा माइनस पॉइंट पर। यह बहुत जरूरी है कि माइनस पॉइंट पर
और पहले से ही डीपली एनालाइज कर लिया जाए। माइनस पॉइंट में क्या यह सारे वही पॉइंट्स आ रहे हैं कि मेरे इससे करियर का ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा? तो फिर आपको इस इन्हीं सभी प्रोसेस को दोहराने के बाद आप फर्स्ट वाली कॉलेज को फिर से एक बार विजिट कीजिएगा और वहाँ पर फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि यह मेरे लिए बेस्ट कॉलेजेस हैं या नहीं, ताकि आपके पास कभी कोई बोलता है कि यह कॉलेज भी आपके साथ ऑप्शन था तो आप उसे बोल सके कि यह कॉलेज में यह प्लस पॉइंट था और यह माइनस पॉइंट था, इस कारण से मैं इस कॉलेज में नहीं जाना चाहता हूँ। तो यदि यह सारे स्टेप्स आप करते हैं तो आप अपने लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन और साथ ही साथ और एक अच्छा सब्जेक्ट कॉलेज भी आप चूज़ कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप यह भी कन्फ्यूज़न में हैं कि मुझे कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे चुका हूं, वह वीडियो भी आप देख लीजिए। उसमें आपकी सारी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाएगी करियर को लेकर और एक कॉलेजेस को लेकर भी। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं कि आप मेडिकल लाइन में 12th के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से फील्ड में आप जा सकते हैं। उसमें मैं आपको 16 ऐसे फील्ड टेस्ट बताऊंगा जिसमें आप जा सकते हैं। तो यदि आप ऐसे अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।